नमस्कार, स्वागत है आपका लोकमत न्यूज हिंदी के फटाफट बुलेटिन में। मैं हूं कोमल बड़ोदेकर और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। देशव्यापी दलित आंदोलन, कई जगहों पर हुआ हिंसक, भारत बंद के दौरान 12 लोगों की मौत। पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट ने CBSE से पूछा, दोबारा कब होगी 10वीं गणित की परीक्षा। DDCA मानहानि मामला, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से बिना शर्त मांगी माफी। 38 भारतीयों के शवों की वतन वापसी, पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने परिवार को 5 लाख रुपए और एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पत्नी की सहमति के बिना शारीरिक संबंध दुष्कर्म नहीं, कहा यह पति का अधिकार। पेट्रोल डीजल के दामों की बढ़ती कीमतों पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, GST के दायरे में आने से कम होगी कीमत। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018, सिरिंज विवाद के बीच राष्ट्रमंडल खेल गांव में फहराया गया तिरंगा। 13 आतंकियों के खात्मे पर बौखलाया पाक, भारत पर लगाया बर्बर कार्रवाई का आरोप। हाफिज सईद की राजनीतिक पार्टी MML को अमेरिका ने घोषित किया आतंकी संगठन। स्वतंत्रता सेनानी चट्टोपाध्याय की 115वीं जयंती पर गूगल ने बनाया खास डूडल। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत न्यूज.in के साथ।